पेरेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो बेसिकली सॉरी पेरेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एक चीज याद रखिए, भले आज कितना भी सब चीजें ऑनलाइन हो जाए, एक पेपर और पेन हमेशा ही जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। और उसके लिए हर घर एक स्कूल है, आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, भले कोई भी एज ग्रुप का होने दो, आपको कुछ देर उसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके सबसे बड़े टीचर हो। और पेपर एंड पेन पे लिखना जरूरी है, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है। हम ह्यूमन बीइंग्स इजीली नेचुरल चीजों को कनेक्ट होते हैं, और वहां पे ये कनेक्शन के कारण हम कितना भी चाहें हम ऑनलाइन कंप्यूटर पे काम करें, हमारा मेंटल ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, क्योंकि ये हाथ में ये स्पर्श से की पेन पकड़ा हुआ या पेंसिल पकड़ी हुई आपके दिमाग में वो लिखती है। इसी के लिए अभी वो राइटिंग पैड्स हैं, ये आगे जो इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड्स जो आप लिखो तो वो सारा रजिस्टर करती है और कंप्यूटर में जाती है, क्योंकि ये कंप्यूटर कितना भी कर ले एक आर्टिफिशियल चीज है। और क्योंकि हम नेचुरल इंसान सॉरी नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, इसके लिए हमें पेपर और पेन की जरूरत रहती ही रहती है। और एक बार लिखा हुआ, हमेशा ऐसे कहा जाता है कि 100 बार सुना हुआ इज इक्वल टू एक बार लिखा हुआ, और एक बार लिखा हुआ इज इक्वल टू 1000 बार याद किया हुआ। तो इसके लिए उसे लिखने का थोड़ा एक प्रैक्टिस करना है, जल्दी रजिस्टर होती हैं चीजें, और वहां पे एज अ पेरेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है या उनके लिए मदद करनी है। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व करो। उनकी ना सिर्फ मेंटल एबिलिटी या टीम वर्क नहीं बढ़ता, उनका फोकस भी बढ़ता है। इसमें आपका ताश और लूडो ये सब कोई गेम नहीं है, दैट आर जस्ट रिलैक्सेशन गेम्स। बट स्क्रैबल हो गई, वर्ड वर्ड ब्लॉक्स हो गए, लीगो जैसी गेम्स जो भी, उसके अंदर इन्वॉल्व करो बच्चों को जहां पे इसका यूज हो। चेस गेम है, कई बच्चों को उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए ऐसी गेम्स बिल्डअप करिए या ढूंढिए। मोनोपोली मोनोपोली है, वो क्या उसका नाम है, बिजनेस समथिंग है, ऐसी चीजें उनके लिए देखिए, क्योंकि तभी उनके इसका फोकस बढ़ पाएगा। प्रकृति के हिसाब से हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग रहेगा, कोई आउटडोर एक्टिविटीज में रहेगा, कोई इंडोर में रहेगा, बट हर बच्चे को कंपलसरी आउटडोर भेजना ही है 1 घंटे के लिए। अभी ठीक है कोरोना है, अभी भेजने की गलती मत करिएगा और बेवजह बीमार मत पड़िएगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ पागलपन वही हो रहा है कि लोग बोल रहे अरे मेरा बच्चा घर में बैठे बैठे बोर हो गया, ये हो गया, एंड बाहर लेके जाते हैं या बच्चे बाहर खेलते हैं और बीमार पड़ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 1 महीने से इतने कोरोना पेशेंट मैं खुद ट्रीट कर रहा हूँ सब ऑनलाइन कंसल्टेशन से, लोग पागलपन में बीमार पड़ रहे हैं और उसमें से कहीं क्रिटिकल लेवल पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है, सब कह रहे हैं घर पे रहिए, तो समझिए कि कुछ है जो आपको नहीं समझ आता, बट लोग सुनते नहीं है। इसके लिए अभी कोरोना के टाइम पे तो ये चीजें अवॉइड करिए, बट पोस्ट कोरोना जब सब अच्छा हो जाए तब डेली बच्चे को 1 घंटा बाहर भेजना ही भेजना है, तब उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो जितना नेचर में खेलेगा उतना अच्छा होगा। आपको जोक लगेगा, बट आज से 5 साल पहले एक रिसर्च आया था कि बाहर मिट्टी में खेलने से बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं और उस कारण से बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है। एक 4 महीने या 6 महीने पहले, समवेयर अराउंड दिसंबर जनवरी, एक रिसर्च आया जिसने उसको पूरा नलीफाई कर दिया, और उनका बोलना था कि बच्चे जितना मिट्टी में खेलते हैं, जितना ओपन में खेलते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहती है। और ये चीज हम मतलब हमने भी बचपन में खेला हुआ है, आज के बच्चे कोई ज्यादा नीचे खेलता नहीं है, इसी के लिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या बच्चों की इम्यूनिटी खराब होती है, ओनली बिकॉज हम उन्हें खुले में नहीं छोड़ते। अरे इसकी मट्टी लग गई, ये खा गया, तो कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज फाइन। ये है ना, आपको ओपन रखना पड़ता है एज अ पेरेंट। बच्चे को खेलने दीजिए, लेट हिम लर्न, गिरेगा गिरने दो, सीखेगा। आप उसको कब तक पकड़ के रखोगे? और जिस दिन आप पकड़ के रखते हो और वो हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, आपको ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन आती है। इसके लिए पकड़ के मत रखिए, नर्चर हिम, डोंट कंट्रोल।